अगर कोई नुकसान होता है और उसके अपोजिट हमें दूसरा फ़ायदा मिलता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। नुकसान को इग्नोर कर दिया जाता है, फ़ायदा देखा जाता है। तो ये नुकसान फ़ायदा मैं क्यों कह रही हूँ, तो बने रहिए वीडियो में पूरा एंड तक, तो देखना क्या नुकसान हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो देखिए कितने प्यारा सा मेरा गार्डन लग रहा है। कुछ हरा है, कुछ सूखा है। सूखा वो है जो धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हरा वो है जो इस टाइम पे फूल दे रहे हैं, ग्रोथ पकड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो देख लीजिए इधर मेरे सारे पौधे हरे भरे हैं, फूल दे रहे हैं, बहुत अच्छे से मेरा गार्डन चल रहा है। और देखिए फूल तो ये मिनी हिबिस्कस और इस वाले पे देसी हिबिस्कस पे बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं, ढेरों फूल रोज़ आते हैं, रोज़ मैं तोड़ती हूँ। और इधर दिखा देती हूँ, बुद्धा सेटअप पे बेल चल रही है मेरी अपराजिता की, और इसको थोड़ा सा खाली खाली सा हो रखा है, तो इसको भी कवर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो देखिए थोड़ा सा नुकसान हुआ है मेरा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा प्लांट जो था वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर इस नुकसान की वजह से वो प्लांट ख़राब होता है तो बहुत ही दुख होगा मेरे को। और उससे पहले मैं आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ कितना अच्छा चल रहा है। और देख लीजिए सुबह के 10 बज रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि 12:01 का टाइम हो रहा है। और इधर देखिए ककड़ी ये छाया में चल रही हैं, अपने पत्तों की छाया मिल रही है बहुत अच्छे से। ये कल बहुत छोटी छोटी थी और अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये रात दिन बढ़ती ही रहती हैं ककड़ी, 2 दिन में भी ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत अच्छे से ये चल रही हैं। और अभी मैंने अच्छे से सावरिंग की है पूरे गार्डन में। तो आइए आते हैं अपने नुकसान की तरफ, तो दिखा देती हूँ क्या मेरा नुकसान हुआ है। तो देख लीजिए ये मेरा नुकसान हुआ है कल शाम ना, थोड़ा सा क्या, जब नुकसान हो गया तो तूफान ही कहा जाता है उसे, आंधी नहीं कहूँगी। तो ये जो ग्रिल है इसमें से होके आया होगा, अगर पिलर पे रखती तो पता नहीं क्या हाल होता है इस गमले का। वो तो नीचे ही है मेरे पिलर पे, बस टोकरी रखी है पर्सलिन मॉसरोज की, बाकी सारे गमले नीचे रखे हैं, कोई पिलर पे नहीं रखा है। और देखिए गमला भी काफ़ी मोटा है। ये इसमें क्या था, प्लांट मेरा ऊपर है भी है और ये गमला थोड़ा ना नीचे से जैसे मटके टाइप का है, थोड़ा इसको नीचे स्पेस कम है, तो ये इसकी हवा से ये मेरा पौधा हिला होगा ना काफ़ी तेज़, तो उससे ये प्लांट मेरा झटके से गिरा है गमला, तो ये टूट गया है। और गमला भी काफ़ी मोटा है, ऐसा नहीं कि गमला हल्का फुल्का था। तो देखिए नुकसान तो हो ही गया है, अब देखती हूँ कोई जुगाड़ लगाती हूँ कोई गमला मिले तो खाली। और गमला और मिट्टी दोनों की कमी चल रही है, क्योंकि पूरी छत भरी पड़ी है, जितने मेरे पास गमले थे मिट्टी थी सब मैंने यूज़ कर डाली है। अब लाती हूँ ढूंढ के कोई मिलता है तो देखिए ढूंढ ढांड के ले आई हूँ मैं, और ये मिला है मेरे को। ये देखिए इसमें ना टिकोमा लगाया था और पता नहीं कैसे वो ख़राब हो गया, और लगाने के बाद में मैंने उसको देखा भी नहीं था। और देखिए इसकी ना रूट्स में कुछ प्रॉब्लम आई है इसलिए ये ख़राब हो गया है। और तो इसको हटा देते हैं, और जितनी इसकी रूट की मिट्टी थी इसको भी हटा देंगे, क्योंकि इसमें ना फंगस लग गया होगा। तो फंगस के लिए भी मैं इसमें फंगीसाइड का यूज़ करूँगी, देखती हूँ फंगीसाइड डालूँ या फिर नीम खली डालूँ। तो बने रहिए आप वीडियो में, और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद लगा आया हो या मेरा नुकसान आपको कैसा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो देखिए मैंने वो गमला पलट लिया है और इसमें ना काफ़ी मात्रा में मैंने नीचे किचन वेस्ट भर दिया था, तो वो देखिए बहुत अच्छे से ये हमारा फर्टिलाइज़र बन गया है। और इसको ना मैं इस मिट्टी में ही मिक्स कर दूंगी पूरे को, तो ये हल्का भी गमला बनेगा हमारा। किचन वेस्ट ना बहुत हल्का हो जाता है इससे गमला हमारा। तो देखिए इसमें मैं ले आई हूँ नीम खली, तो नीम खली मैं ऐड करूँगी क्योंकि ये जड़ हमारी फंगस से भरी थी, तो इसको डालूँगी, काफ़ी मुट्ठी भर के लाई थी मैं। और करते हैं अब इस प्लांट को रिपोर्ट, तो देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। और ये देखिए कितनी सारी इसमें रूट हैं, और आप ही के साथ मैंने इसको ना मार्च में रिपोर्ट किया था, बिल्कुल रूट हटा दी थी, बस छोटा सा बॉल जैसा इसका रूट छोड़ा था, जितना छोटा सा बॉल होता है ना उतना ही रूट छोड़ा था, बाकी मैंने सबको कट कर दिया। तो देखिए अब तीसरा महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई तीसरा महीना चल रहा है,
तो 3 महीने में कितनी ज़्यादा रूट ने ग्रोथ की है, ऊपर फ्लावरिंग से ज़्यादा रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा हो गई इसमें। तो अब मैं छेड़ूंगी नहीं और ऐसे ही मैंने इसको रिपॉट कर दिया है, डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया था। तो देखिए अब मैं इसको अच्छे से पानी दे दूँगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई काम हो तो उसे आप थोड़ा शेड में रखना, मेरी छत पे तो कोई जगह है ही नहीं शेड की, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मैंने इसको छेड़ा नहीं है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा है। तो मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।